मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में रेत माफियाओं की दबंग गई। रेत माफिया ने आरक्षक पर चढ़ाया रेत से भरा ट्रैक्टर ट्राली, आरक्षक के दोनों पैरों में गंभीर चोट। सीहोर जिले के अंतर्गत रेहटी के जहाजपुरा रेत खदान का पूरा मामला। रात को कीर मकोड़िया के 3 ट्रैक्टरों से अवैध रेत ले जा रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर सलकनपुर चौकी प्रभारी राजू मकोड़ दल बल के साथ पहुंचे थे, जहां आरक्षक धर्मेंद्र ने रोकने का प्रयास किया, जिस पर उनके ऊपर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया। गंभीर हालत में होशंगाबाद रिफर किया गया, जहां निजी अस्पताल में इलाज जारी है। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए होशंगाबाद से सादाब खान की रिपोर्ट। विगत रात्रि सलकनपुर चौकी में सूचना प्राप्त हुई थी कि जहाजपुरा खदान में अवैध रेत परिवहन हो रहा है, ट्रैक्टर ट्रालियाँ चल रही हैं। इस सूचना पर चौकी प्रभारी राजू माखोड़ अपने स्टाफ के साथ जहाजपुरा गए थे और उन्होंने देखा कि ये ट्रैक्टर एक के भगाती हुए तेज रेत जिस पर रेत भरी हुई थी और भगाती हुई ले जा रहा है, तो हमारे आरक्षक धर्मेंद्र ने उसको रोकने की कोशिश की ट्रैक्टर को, तो वो ट्रैक्टर नहीं रुका और उसको डैश मारते हुए और भाग गया धक्का देते हुए। तो हमारे जो आरक्षक धर्मेंद्र है उसको जांघ में गंभीर चोट आई है, फ्रैक्चर है, वो अभी मीणा अस्पताल होशंगाबाद में इलाज के लिए भर्ती है। वो अब स्वस्थ है पूरी तरह से और उसका डॉक्टर साहब ने बताया है इसकी जो चोट है उसका ऑपरेशन होगा, बाकी उसको कोई खतरा नहीं है। अब हमने आरोपियों की तलाश के लिए टीम लगा दी है और पूरा हम जल्दी से जल्दी शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। ये घटनाक्रम में हमने आरोपियों के विरुद्ध दीपक दायमा और उसका भाई विनय दायमा है, मकोरिया कीर के रहने वाले हैं, इनके खिलाफ धारा 307, 353, 379 भारतीय दंड विधान के तहत सख्त कार्रवाई FIR की है और प्रकरण दर्ज किया है, विवेचना की जा रही है और ऐसे आरोपियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।